बच्चों आज आपकी क्लास जो है वो सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है, कुछ लोगों की थर्ड क्लास है या सेकंड क्लास है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपका सेकंड क्लास है आपकी, ठीक है। तो आपको समझना क्या है, यहाँ पर आज आपको हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बना करके हमारे पास क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, जिसको हम बाद में रिप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब चेक करके आपको हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। जैसा कि पीछे करते आ रहे हैं, तो आपको ध्यान क्या देना है, इधर आपका कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आ गया आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एक बात को आसानी के साथ समझ लेंगे। सबसे पहले आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको समझना है हेल्पिंग वर्ब, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी इज, एम, आर। सबसे ज्यादा इजी यही टेंस है आपका, सबसे ज्यादा आसान आपका जो टेंस है वो आपका कंटिन्यूअस टेंस ही माना जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इज, एम, आर जो है आपका उसके ये लगता है आपका ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ, वही एम केवल आई के साथ यूज किया जाता है, आर आपका यू, वी और दे के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पास्ट में आ जाएंगे तो सॉरी, पहले इसके बाद पहले हम इसको फॉर्मूला बताते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब आपके चारों फॉर्मूले में लाइन से लिखूंगा, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका एसएन होता है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपका फॉर्मूला होगा, आप लाइन से समझते चलिएगा, पहला फॉर्मूला जो है आपका अफर्मेटिव के लिए है, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका एज, एम, आर, फिर आ जाएगा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर इस जगह पर आपका दूसरा निगेटिव होगा तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहां पर अगर बात करेंगे तीसरा मतलब इंट्रोगेटिव यस एंड नो टाइप का, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा इज, एम, आर, इज, एम, आर, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। चौथा आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आपको लगाना है इज, एम, आर, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट का फिनिश हो गया, आ जाएंगे आप पास्ट पर, ये तरीके से पास्ट में आपका क्या होगा वो समझना है। तो पास्ट में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी वाज और वर्ब, वाज प्रयोग करना है आपको आई के साथ, स्पष्ट ध्यान रखना आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ, और वर्ब का प्रयोग करेंगे हम यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, ठीक है। अब देखेंगे सेम ऐसे ही आप फार्मूला देखते चलेंगे, तो फार्मूले आपके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आप लाइन से समझ लेंगे। तो आपका फार्मूला जो होगा सबसे पहला मतलब अफर्मेटिव के लिए, तो उसमें सेम ऐसे ही सबसे पहला क्या आएगा, पहला आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम वाज या वर्ब, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पूरे कंटिन्यूअस में आपका आईएनजी यूज किया जाता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, रहा, रही, रहे, प्रेजेंट में है वो हो जाएगा, पास्ट में था, थी, थे और फ्यूचर में गाएंगे। अब दूसरा देख लेंगे, जब आप बात करेंगे निगेटिव की तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका वाज या वर्ब, फिर लग जाएगा आपका नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा आईएनजी, और प्लस आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तीसरा फॉर्मूला आप देखेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका वाज या वर्ब, इंट्रोगेटिव है आपका एसएनओ टाइप का, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्थ में आप आ जाएंगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड होगा,
फिर आपका होगा वाज या वर, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट तक आपको जाना है। ठीक है, आपका इतना आपका काम खत्म हो गया, मतलब पास्ट आपका क्लियर हो गया, अब आ जाएंगे आप फ्यूचर पर। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए आपको क्या करना होगा, फ्यूचर के लिए आपको देखना है सेम आपके पास फॉर्मूला, सॉरी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो यहां पर होता है आपका विल बी और शैल बी। आप पहले से ही विल और शैल को यूज करना सीख चुके हैं, तो सेम वैसे ही आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ आप इसका प्रयोग करेंगे विल का, बाकी सबके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। यू हैव टू यूज विल विद ऑल अदर्स। ठीक है, आप बाकी बचे हुए सभी के साथ आप क्या करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। आप फार्मूले पे आ जाएंगे, आप फिर से इसके भी फार्मूले इसको देख लेंगे, तो इसका फार्मूला आपका क्या होगा, सबसे पहला फार्मूला फिर से, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे विल या शैल और प्लस लगा देंगे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी और साथ में जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट, आपका ये फिनिश हुआ। दूसरा निगेटिव में आपका सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे विल या शैल के साथ बी लगाएंगे, फिर लगाएंगे नॉट, सॉरी जब आपका नॉट आता है तो आप हमेशा दो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके बीच में लगता है, तो विल या शैल के साथ में नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे आप बी, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ध्यान रखना है जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होगी, दो वर्ड में हेल्पिंग वर्ब होगी, तो नॉट हमेशा दोनों के बीच में लगाया जाता है और साथ में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आगे तीसरा, तीसरे के लिए आप आएंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा विल या शैल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस लगाएंगे बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट तक जाना है आपको। चौथा आपका जब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका आ जाएगा विल या शैल, फिर प्रयोग करना है आपको सब्जेक्ट का, फिर लगाना है बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में इसके आईएनजी लगाते हुए आपको ऑब्जेक्ट तक जाना है। अब आ जाएंगे एग्जाम्पल्स पर, आपका यहां तक क्लियर हो गया, आपके सारे फॉर्मूले नोट हो चुके हैं, आप आगे बढ़ेंगे और अब आ जाएंगे आप एग्जाम्पल्स पर। तो एग्जाम्पल नंबर वन देखेंगे आप, पहला उदाहरण देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे यहां पर। तो पहला एग्जाम्पल है जैसे कि आपका मोहन खाना खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन, सिंगुलर है तो लगेगा आपका एज, फिर आप लगाएंगे वर्ब, वर्ब है आपका ईट, लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा ईटिंग, और खाना मतलब भोजन आपका क्या लग जाएगा, फूड, अगर आप इसी को पास में बनाएंगे तो हो जाएगा मोहन खाना खा रहा था, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पास्ट में ये हो जाएगा मोहन खाना खा रहा था, मोहन खाना खा रहा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका मोहन, और यहां पर लगेगा आपका सिंगुलर के साथ वाज, तो मोहन वाज, और खाना मतलब ईट लगा देंगे आईएनजी, और भोजन फूड, यहां पर कंप्लीट हुआ। ऐसे ही जब आप फ्यूचर पे आ जाएंगे तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मोहन खाना खा रहा होगा, मोहन खाना खा रहा होगा, तो यहां पर क्या होगा आपका, आपको ध्यान देना है कि यहां पर फ्यूचर में आपको विल या शैल बी का प्रयोग करना होता है, तो मोहन है आपका सिंगुलर और इसके साथ आपको केवल आई और बी सब कुछ को छोड़ करके सबके साथ आपको प्रयोग करना है विल का, तो हो जाएगा मोहन विल बी, वर्ब लगाएंगे आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट को जाना है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फूड, कंप्लीट हुआ आपका। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे बहुत ध्यान से, पूरा नोट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे आप, इसे कुछ और मैं बता देता हूं एग्जांपल्स, एग्जांपल्स बताने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपको इसके कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपको एग्जांपल्स के साथ में, और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं आज ही।